हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कॉक्सकॉम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। ये जो कॉक्सकॉम फ्लावर का प्लांट होता है, ये एक सॉफ्ट फ्लावर वाला प्लांट होता है। इसमें मुर्गे की कगले की तरह फ्लावर होते हैं और इस प्लांट की पत्तियां जिस तरह से कोलियस का प्लांट होता है उसी तरह से रंगीली पत्तियाँ होती हैं इसकी। जब ये छोटा प्लांट होता है तो बहुत ज़्यादा रंगीली पत्तियाँ इसमें आती हैं। इस प्लांट को बीज से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये एक समर सीजन प्लांट है, समर सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, लेकिन फ्लावर इसमें विंटर सीजन में ही अच्छे से आते हैं। इसका एक एक फ्लावर कम से कम 3 महीने तक तरोताज़ा रहता है और प्लांट सूखने के बाद भी इसके फ्लावर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कब कब लगाया जाए और कब इसकी पॉटिंग की जाए और कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डाला जाए। कॉक्सकॉम के बीज की जर्मिनेशन अप्रैल मई महीने में अच्छे से हो जाती है, तो इसको आप बीज से अप्रैल मई महीने में लगवाएं और जैसे ही ये 5-6 इंच का हो जाए तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। चाहे आप इसको गमले में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं। अगर आप इसको आप गमले में लगाएंगे तो इतना बढ़ेगा नहीं, अगर ज़मीन में लगाते हैं तो ये कम से कम 5 फुट या 6 फुट की हाइट का फ्लावर हो जाता है। इसको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिल जाए। जब यह प्लांट 8 से 10 इंच का हो जाता है तो उस टाइम में हमें इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए। पिंचिंग करने से इसमें ज़्यादा ब्रांचेज आती है और ज़्यादा फूल खिलते हैं। ज़मीन में जब ये प्लांट लगा हो तो ये बहुत ही बड़ा और घना बन जाता है और इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बटरफ्लाई भी इसके ऊपर बैठी हुई है, वाइट कलर की बटरफ्लाई। उड़ गई अब तो देखिए कितना बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आए हुए हैं। अब बारी आती है इस प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने की। कॉक्सकॉम फ्लावर प्लांट के लिए बर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है, तो आपने 15 दिन में बर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की पुरानी खाद या फिर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र या ऑनियन पील फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। इससे इसमें फूल अच्छे से आते हैं और फूलों का रंग भी निखर के आता है। पानी इस प्लांट में उतना ही डालें जिससे कि इसकी जड़ों में नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है।